हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए, मैं सबसे पहले सुबह में 5:30 बजे उठ गई हूँ और जाकर मैं पौधों को पानी दे रही थी फ्रेंड्स। और सुबह 5:30 बजे उठने का एक और कारण है कि मेरे घर में गैस ख़त्म हो गया है, तो चूल्हा मुझे जलाना पड़ेगा। और चूल्हा देखिए मैं किस जुगाड़ से जला रही हूँ, क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए ना लकड़ी है ना गोठा है, मैं उसको जुगाड़ लगा रही हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, देखिएगा कि मैं कैसे जलाती हूँ और कैसे मैं आज खाना बनाऊंगी। मेरा गैस रात में ही ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं नीचे देख रही हूँ और बड़ा वाला जो रखी हूँ डंटा, इसको मैं तोड़कर थोड़ा सा ले ली हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या मैं कारनामा कर रही हूँ, मोटा डंटा ले रही हूँ तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं टूट रहा है ये, मेरा पैर से नहीं टूटेगा, बहुत ज़्यादा ही मोटा है। और उसके बाद में मैं सभी डंटे को खोज रही हूँ, लकड़ी जुगाड़ कर रही हूँ कि किससे मेरा चूल्हा जो है तो जल जाएगा, नहीं जला तो कि मैं उसी लकड़ी को डाल दी। और ये देखिए मेरा यहाँ पे चूल्हा जलकर तैयार हो गया। और उसके बाद में चूल्हा मैं जलने के लिए छोड़ दी और आ गई थी छत पे कौओं को रोटी देने के लिए, तो यहाँ पर मैं कौआ को रोटी दे दी और बहुत ही ज़्यादा सुबह हो गया था फ्रेंड्स। और उसके बाद चूल्हा लेकर मैं नीचे आ गई और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि गैस ख़त्म हो गया था तो चूल्हा जलाना था, इस वजह से मैं जल्दी उठ गई और सभी जगह मैं झाड़ू लगा दी। और ये देखिए मेरा चूल्हा जल गया है, थोड़ा थोड़ा ताव आया है। और यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ चाय, क्योंकि मैं सुबह चाय बना रही हूँ आज, और इसमें अदरक मैं काट कर घस कर डाल दूँगी और यहाँ पर चाय मेरा खौल जाएगा और उसके बाद मैं छान कर मैं इसे पी लूँगी। और चूल्हा में मेरा ताव बहुत ही अच्छा आ गया फ्रेंड, और ठंड का मौसम है तो चूल्हा का ताव अच्छा लगेगा। और इधर मैं आज पत्तागोभी का सब्ज़ी बनाऊँगी, तो पत्ता गोभी को मैंने देखे वो पहले भाप लेती हूँ, उसके बाद में मैं बनाती हूँ। और यहाँ आलू भी मैंने काट लिया है और प्याज को मैं धो लूँगी, आलू प्याज को सबको मैं बढ़िया से धो लूँगी। और उसके बाद में फिर मैं चूड़ा टिया के लिए भून लूँगी, क्योंकि टिया को आज मैं लंच में चूड़ा और बादाम भून कर दे दूँगी, क्योंकि आज जल्दी है और इसलिए कि हो सकता है चूल्हा में जल्दी नहीं बनता है, देरी होता है, एक बनता है एक उतरता है, इस तरह का मैंने सोचा कि आज मैं सिंपल ही उसको बनाकर भून कर दे देती हूँ चूड़ा। और फिर उसके बाद सब्जी के लिए देखिए मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा देती थी, क्योंकि कढ़ाई गर्म ही था तो उसमें तेल डाल के मैंने प्याज भून लिया और उसके बाद में पत्ता गोभी और आलू का सब्ज़ी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी 5 मिनट नमक उमक डालकर। और उसके बाद देखिए लाइट नहीं था तो मैं सिलवटे पर ही मसाला पीस रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि लाइट रहता तो मिक्सर में पीस लेती, लेकिन लाइट नहीं था तो इस वजह से मैं सिलवटे पर ही मसाला पीस ली हूँ। तो उस मसाला मैं पीस ली थी फ्रेंड्स, और उसके बाद मैं प्लेट में रख ली थी, उसमें मैं हल्दी और गरम मसाला को मैं एक में ही रख लूँगी, क्योंकि साथ में रखने से अच्छा रहता है, गैस पे रहता है तो फटाफट हो जाता है और चूल्हा पे सब चीज़ सब जो मटेरियल है वो जुगाड़ करके रखना पड़ता है तो अच्छा से हो जाता है, इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा। तो फिर मैंने इसमें मसाला डाल दिया है, मेरा सब्ज़ी भून कर तैयार हो गया था फ्रेंड्स, तो मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। और टमाटर मैं रखी हूँ धोकर काटने के लिए, तो टमाटर इसमें मैंने डाल दिया है 3 मीडियम साइज़ का, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और उसके बाद में पत्ता गोभी में तो टमाटर का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहता है, जितना टमाटर दीजिएगा उतना अच्छा लगेगा। और इधर देखिए मैं चूड़ा को थोड़ा सा फटक ले रही हूँ, क्योंकि उसमें नमक जो मैंने डाला था वो निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए मेरा मसाला भून गया था पत्ता गोभी में, तो मैं इसमें पानी डाल दी हूँ फ्रेंड्स, और पानी डालने के बाद आलू और पत्ता गोभी अच्छा से थोड़ा सा हो जाएगा और उसके बाद में मेरा सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए पानी मेरा सूख गया है। आप पत्ता गोभी का सब्ज़ी खाने में, टमाटर अगर अच्छा से डल जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और पत्ता गोभी का सब्ज़ी मेरा बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दी हूँ और दाल भी मेरा बनकर तैयार हो गया, उसको मैं तड़का लगा दी और फटाफट मैं सब चीज़ कर ले रही थी फ्रेंड्स। और यहाँ पर चावल में भी धोकर मैं डाल दी और चावल को थोड़ा सा चला ले रही हूँ, क्योंकि चावल डालने के बाद चलाना का तो ज़रूरी रहता है। और उसके बाद मैं सब्ज़ी का बर्तन मैं खाली कर ले रही हूँ और उसको डाल दूँगी सिंक में बर्तन धोने के लिए। और फिर यहाँ पे चाय बना रही हूँ सासू माँ के लिए, सासू माँ को पीना है। और यहाँ पे हस्बैंड को मैं खाना निकाल रही हूँ, दाल भात और आलू पत्ता गोभी का सब्ज़ी। तो देखिए आप लोग भी आ जाइएगा खाने के लिए, एक बार ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद मैं हस्बैंड को लंच लेने के लिए मैं आज पराठा बना दे रही हूँ, क्योंकि उनको आज पराठा बना दूँगी और हम लोग चावल का रोटी बनाएँगे, तो उनको पराठा बनाकर मैं दे दूँगी, उनको खाने के लिए दे दी हूँ मैं। और इधर मैं पराठा को सेक ले रही हूँ और चूल्हा पे ही करना है, गैस पर हो सकता है नंबर लगा हुआ है आज, नहीं तो कल आ ही जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पे चावल का रोटी बना ले रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग चावल का रोटी ही खाएंगे और चावल का रोटी खाने में अच्छा लगता है, तो कल ही मैंने डाला था इसे। और उसना चावल है तो उसना चावल को खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए सुबह मैं डालती हूँ तो शाम को फिर मैं उसको बना लेती हूँ और अच्छा लगता है, और कोई भी खराबी नहीं करता है उसना चावल का रोटी खाने में, तो इसलिए मैंने उसे डाल दिया। और इधर मैं देखिए सबको हस्बैंड को भेज ली और उसके बाद मैं किचन के काम में मैं लग गई।
बर्तन वगैरह सब मैं धो लूँगी। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा एंड तक फ्रेंड, आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं पूरा और फुल वॉच नहीं करते हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो। और मेरे साथ सब आगे बने रहिए वीडियो में और मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद मैं फिर चली जाऊँगी नहाने के लिए फ्रेंड्स, और नहा कर फिर मैं बाकी सब काम करूँगी। फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।